हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आप सभी का कार्टा गेमिंग की एक और न्यू वीडियो पे। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं हीरोइक इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मुझे गाइस ओनली 18 का प्लस चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे गाइस पूरा मतलब सर्वाइव करके गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। एंड उसी के साथ गाइस, अगर आप भी हीरोइक जाना चाहते हैं, मतलब अगर आप हीरोइक नहीं जा पा रहे हैं, आपको सर्वाइव करने की टिप्स चाहिए, तो गाइस आपको मेरे से बेटर यहाँ पे कोई भी नहीं देने वाला है। तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर लेना, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज देखो, अभी मुझे जैसे कि पता है आपको 18 का प्लस चाहिए एंड डायमंड 4 में गाइज आपको पता ही है, जब आप होते हैं तो गाइज बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे रहता है, आपको पता ही होगा अगर आप भी रैंक पुश करते हो। तो अगर आपने आज तक रैंक पुश नहीं किया है कभी भी, या एक आधी बार हो चुका है बट उसके बाद नहीं हो पा रहा है, ऐसी कुछ अगर प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, तो गाइज हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको रैंक पुश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलती रहती है। तो चलिए गाइज, अभी उससे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो बात रहती है उतरने की, एंड गाइज उसी के साथ इस वीडियो में दो रिडीम कोड भी है, जो कि गाइज यहाँ पे 100 100 रुपीज़ के है। तो गाइज वीडियो के बीच में वो कहीं भी हो सकते हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको वो दिखने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए। एंड गाइज सबसे पहले आपको बिल्कुल मतलब जिधर से एरोप्लेन जा रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में उतरना होता है, ठीक है? तो क्योंकि गाइज क्या होता है कि जब हम रैंक मैच खेलते हैं तो उसमें 30% बंदे जो होते हैं वो रशर आते हैं, एंड उसी के साथ बाकी जो 70% है वो यहाँ पे रैंक पुश कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी गाइज पहले लूट कर लेते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या लूट मिलने वाली है। उसी के साथ गाइज वीडियो को पूरा देखते चलिए, रिडीम कोड भी आप सभी को मिल जाएंगे, दो रिडीम कोड है 100 100 रुपीज़ के। तो चलिए गाइज, अभी यहाँ पे मुझे मेडिकेट के अलावा तो कुछ मिला है नहीं, और गाइज पिस्टल भी यहाँ पे मिल चुकी है हमें। चलिए तो गाइज यहाँ पे वीडियो को थोड़ा थोड़ा बीच बीच से कट भी किया जा रहा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एंड मैंने अपने से पूरा ट्राई किया है गाइज कि वीडियो भी छोटी बने एंड मैं आप सभी को पूरी टिप्स भी बता पाऊँ, ठीक है? तो गाइज अभी देखो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, करेक्टर्स एंड स्किल्स वगैरह मैं आपको बता दूँ। तो बहुत सारे बंदों के पास तो डीजे आलोक नहीं है, वो इसीलिए हीरोइक नहीं जाना चाहते हैं। तो गाइज अगर आपको ऐसा लगता है भाई, तो ये भी गलत है, ठीक है? डीजा लोग नहीं है, कोरोनो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी गाइज आप जा सकते हो हीरोइक। तो अगर आपको ऐसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए गाइज, तो मैं विदाउट करेक्टर स्किल मतलब नू बैडम के साथ भी गेम प्ले आपको दिखाऊंगा एक करके, मतलब पूरा सर्वाइव करके। तो गाइज उसके लिए आपको क्या करना है भाई, बने रहना है चैनल पे एंड कमेंट में मुझे बताना है कि आप किस तरह से सर्वाइव करना चाहते हो, आपको क्या क्या आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है। तो गाइज देखो, सबसे पहले तो आपके पास एक फैल्को पैट होना चाहिए, क्योंकि गाइज फैल्को पैट से क्या होता है, आप सबसे ज़्यादा दूर तक उड़ सकते हो एंड मतलब कि सबसे आगे आप पहुंच सकते हो जितना दूर आपको जाना है, ठीक है? तो इसलिए देख सकते हो अभी मैं सबसे आगे आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे गाइज मैंने पूरी लूट कर ली, बट मुझे कुछ खास मिला नहीं है। यहाँ पे 2 M60 मिली है एंड उसी के साथ एक MP5 मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है गने। एंड उसके बाद गाइज जब आप उतर जाओ, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको गन कलेक्शन करनी होती है, ठीक है? मतलब आपको अपनी सबसे अच्छी, जो आप सबसे अच्छी गने चला सकते हैं, वो आपको ढूंढनी है। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं ढूंढना है, 4 6 घर में आपको जाना है, क्योंकि क्या होता है कि उसके बाद बंदे भी वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, फिर आपको करना होता है कैंप। अगर आप कैंप नहीं करते हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं रश करके हीरोइक जा सकता हूं, तो भाई मैं भी 3 साल से खेल रहा हूं, मैं आज तक नहीं पहुंच पाया रश करके कभी भी। लेकिन हाँ, सरवाइव करके मैं कई बार गया हूं। तो गाइज अभी सरवाइव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने रैंक मैच को हीरोइक या फिर ग्रैंड मास्टर पुश करने के लिए। तो गाइज अगर बात करें हम सोलो की, तो मैं आज यहाँ पर आपको सोलो में ही दिखा रहा हूँ, ठीक है? इस बार मैंने सोलो में रैंक पुश किया है, ठीक है? तो अगर आप भी सोलो में करते हो तो गाइज मुझे ये भी बता देना, डुओ में करते हो ये भी बता देना, स्क्वाड में करते हो वो भी बता देना, तो हम भी उसी टाइप से आपको वीडियोस बनाते रहेंगे कि आपको स्क्वाड में है तो किस तरह से पुश करना है, डुओ में है तो किस तरह से करना है। बट अभी अगर सोलो की बात करें, तो गाइज सोलो में तो आपको जो मैं यहाँ पे टिप्स बता रहा हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल 100% वर्किंग रहने वाली है। तो यहाँ पे गाइज देख सकते हो मेरे पास अभी गन्स भी हो चुके हैं, एंड मुझे गाइज बस इतना आपको याद रखना है कि आपको इतना सर्वाइव करना है कि आप टॉप 10 में आ जाओ, ठीक है? तभी आपके सर्वाइव का कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा, नहीं तो उसका नुकसान होगा। उसके लिए आपको करना क्या होता है, मान लो अभी आगे एक बंदा मुझे दिख जाता है, तो गाइज आपको उसको मारना नहीं है, ठीक है? आपको वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि गाइज भले ही आप कितने भी भाई प्रो प्लेयर हो, ठीक है, अगर भाई कहीं गलती से मर गए, तो गाइस जितना प्लस आपको 3 गेम में लगता है, उतना एक ही गेम में माइनस लगता है हीरोइक पुश करते समय। तो आपको किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना है, आपको अपने से पूरा ट्राई करना है कि मैं लास्ट तक किसी को ना दिखूँ, ठीक है? तो अगर आप इस तरह से सर्वाइव करते हो तो ही आप रैंक पुश कर पाओगे, नहीं तो गाइस कुछ ही बंदे कर पाएंगे। लेकिन सोलो में गाइस आपके चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं अगर आप इस तरह से सर्वाइव नहीं करते हो।
हाँ डुओ एंड स्क्वाड में होता क्या है कि आपकी स्क्वाड पूरी होती है, तो उससे क्या होता है कि अगर आप रश कर भी रहे हो तो स्क्वाड में अगर एक बंदा भी बच जाता है तो वो भी पूरा सर्वाइव उसके बाद करता है। आपने चाहे यूट्यूबर्स बड़े बड़े जो है उनकी लाइव स्ट्रीम भी देखते होंगे, तो उसमें जब एक आधा बंदा बचता है तो गाइज वो पूरा सर्वाइव करता है, वरना उससे पहले वो सारे बंदे रश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ यहाँ पे भी है, जब सोलो बंदा रहता है तभी गाइज सर्वाइव करता है वो बंदा। ठीक है, तो अभी हम तो सोलो ही गेम प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा गाइज बता रहा हूँ ताकि आपको भी गाइज मतलब हीरोइक जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप अब आज तक हीरोइक नहीं गए हैं तो वो भी कमेंट में मुझे बता देना कि मैं आज तक नहीं गया हूँ एंड मुझे जाना है। ठीक है, मतलब मेन बात जो रहती है ये रहती है कि आपके मन में ये होना चाहिए कि भाई मुझे हीरोइक जाना है। ठीक है, ये नहीं भाई कि भाई मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ मैं तो नहीं जा पाऊँगा। तो अगर आप इस तरह सोचते हो गाइस तो आप सच में ही कभी नहीं जा पाओगे। ठीक है, आपको मतलब एक मतलब बना देना है कि भाई हीरोइक जाना है तो जाना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल गाइस पहुँच ही जाओगे, एक सीज़न नहीं तो दूसरे सीज़न तो आप 100% पहुँच जाओगे। बट गाइज अगर आपको सोलो टिप्स चाहिए भाई तो मैं भाई बचपन से सोलो ही खेल रहा हूँ, मतलब 3 साल से सोलो ज़्यादा मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं आपको अगर अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा या फिर आप खुद भी चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आईडी पड़ी हुई है तो आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हो कि मैंने कितने मैच किस के खेले हैं। ठीक है, वैसे मैंने सबसे ज़्यादा सोलो ही खेला है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। ठीक है, और उसके बाद डुओ स्क्वाड भी मैंने वैसे खेले हुए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सोलो। तो चलिए गाइज अभी देख सकते हो मेरी जो लूट है गाइज वो अभी ठीक ठाक हो चुकी है। बट गाइज शॉर्ट रेंज की जो गन है अभी मुझे MP5 ही मिली है, स्टार्टिंग के लिए ये ठीक रहती है बट गाइज लास्ट के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है इसके साथ, क्योंकि गाइज क्या होता है कि बंदे लेवल 4 की वेस्ट लेके आ जाते हैं तो भाई ये डैमेज उतना ज़्यादा नहीं दे पाती है। तो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी MP40 की, तो उसको हम ढूंढ लेंगे तब तक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जोन जो है श्रिंक हो चुका है एंड मैं गाइज जोन से बाहर की तरफ थोड़ा सा आ चुका हूँ। एंड अभी भी गाइज देख सकते हो 16 बंदे अलाइव है, तो अगर मैं अभी भी मर जाता हूँ, ठीक है, भले ही मेरे अगर अभी 8 किल होते, ठीक है, और मैं अभी मर जाऊँगा तो भी मुझे कुछ खास प्लस नहीं लगेगा। हाईएस्ट मैं मान के चल सकता हूँ कि 2 या 3 का मुझे प्लस लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रश आपको नहीं करना है, बंदे आपको नहीं मारना है, आपको पूरा सर्वाइव करना है, हीरोइक जाना है, उसके बाद चाहो तो आप रश कर सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो आगे से एक गाड़ी वाला बंदा हमें दिखाई दे रहा है बट हम इस पे बस तक कोई फायर नहीं करेंगे। बट अगर गाइज ये हमारे को मारने की ट्राई करेगा तो ही हम फायर करेंगे। ठीक है, यही आपको भी रूल बनाना है, अगर आपको कोई सस्पेक्ट कर लेता है लॉन्ग रेंज से तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपको साइड निकल जाना है। बट अगर शॉर्ट रेंज में गाइज बंदा आ जाता है तो भाई नॉर्मल सी बात है, आपको रश करना ही पड़ेगा उस पर। बट फिर भी आपके पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि गाइज आप क्या है कि आप कैंप कर रहे हैं, ठीक है, और वो बंदा आप पे रश करेगा तो क्या होगा कि कैंपर जो रहते हैं गाइज, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर मार सकते हैं क्योंकि रशर गाइज सीधा आएगा और कैंपर उसको आराम से मार सकता है। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। और गाइज यहाँ पे मुझे भी कोई ठोक रहा है लेकिन देख सकते हो मैंने यहाँ पे अभी भी फिर से गाइज ले लिया है थोड़ा सा यहाँ पे मतलब बैकअप लेना चाहूँगा मैं। एक बंदा इस घर में है जिस घर के पीछे मैं हूँ और एक बंदा आगे है, यहाँ पे टोटल कुल मिला के 2 बंदे हैं, एक बंदा तो यहीं पर इस घर के अंदर, ठीक है, वो मैंने देख लिया था। तो अभी मैं यहाँ से गाइज निकल चुका हूँ, देख सकते हो साइड साइड से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे जाने के बाद गाइज देखना वो बंदा भी बाहर आएगा अभी। तो हमें क्या करना है गाइज, हमें यहीं रहना है। ठीक है, अभी जोन देख सकते हो जोन भी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहा है और अभी 12 बंदे अलाइव है गाइज और मुझे हीरोइक जाने के लिए अभी 18 का प्लस चाहिए। तो गाइज मुझे इसी तरह यहाँ पे अभी थोड़ा सा सर्वाइव करना ही पड़ेगा और मैं टावर पे भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आपको चारों तरफ चेक करते रहना है कि कोई बंदा आपको भाई हेडशॉट ना दे दे खासकर। ठीक है, तो ये देख सकते हो बंदा जा रहा है, मैं चाहता तो इसको कुछ डैमेज तो मैं दे ही देता, हो सकता है ये मर भी जाता बट वो सब कुछ चांस पे डिपेंड करता है, बाकी कंफर्म कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया और मैं यहाँ से डायरेक्टली निकल चुका हूँ क्योंकि मुझे गाइज अभी भी भाई सर्वाइव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 12 बंदे अलाइव है तो कुछ खास प्लस मुझे लगेगा नहीं, 4 या 6 का प्लस लगेगा। और आगे से गाइज देख सकते हो मुझे फिर से वो बंदा डैमेज देता यहाँ से दे रहा है, कोरोनो भी लगा दिया उसने बट उसको भी आगे से कोई मार रहा है। तो यहाँ पे गाइज मैंने मेडिकिट ले ली है, थोड़ा सा मैंने डैमेज दिया इसको और इन दोनों की फाइट के बीच मैंने यहाँ पे फ़ायदा उठा दिया है और एक बंदे को मैंने यहाँ पे किल कर दिया है। तो किल मिल जाते हैं गाइज, बस आपको सर्वाइव करने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, आराम से आप 4-6 किल कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हो क्योंकि गाइज रशर का सीधा सा होता है भाई, वो कहीं से भी आ जाते हैं, बस आपको चुपचाप बैठे रहना है और उसको मारना है। ठीक है, तभी आप हीरोइक जा पाओगे भाई। अगर आप सोच रहे हो सोलो में रश करके आप हीरोइक जाओगे तो भाई मेरे को नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। ठीक है, डुओ स्क्वाड में फिर भी चांसेस रहते हैं क्योंकि गाइज अगर आपकी स्क्वाड बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू बाकी स्क्वाड से तो गाइज आप बिल्कुल यहाँ पे हीरोइक जा सकते हो। बाकी तो गाइज आपको सर्वाइव करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप डुओ खेलो चाहे स्क्वाड खेलो। ठीक है, तो अभी देख सकते हो गाइज यहाँ पे मेरा एक किल भी हो चुका है, 10 बंदे अलाइव है और मैं यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ बट यहाँ पे वो नहीं आया है, शायद वो जा चुका है।
और गाइज मेरे आगे से ही वो बंदा यहाँ पे निकल रहा था, और गाइज मतलब अगर मैं इस तरह इसको मारता शायद इसको हेडशॉट लग जाता, बट वो नहीं पड़ पाया हेडशॉट इसको। तो यहाँ से गाइज मैं अभी जोन में आ चुका हूँ, जोन का कवर मैंने ले लिया एंड उसको एक बार देखा बट मुझे वो नहीं दिखा। एंड ग्लू वॉल की बात करें तो अभी एक ग्लू वॉल मेरे पास बाकी है, मतलब एक ही ग्लू वॉल मेरे पास बची है, जो कि अभी थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे सीन हो चुका है गाइज। एंड अभी मुझे हीरोइक तो जाना ही है, एंड अभी 9 बंदे अलाइव है, एक किल भी मेरा हो चुका है, तो गाइज चांसेस लगते हैं कि मुझे 18 प्लस शायद लग जाएगा, बट अगर मैं टॉप 5 में आता हूँ तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए गाइज देखते हैं क्या इस गेम में होने वाला है। एंड उसी के साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को वॉच किया है तो गाइज आई होप आप सभी को कोड्स भी मिल रहे होंगे एंड शायद मिल भी चुके होंगे या फिर एक अभी मिलना बाकी होगा, जो भी है तो आपको मिल जाएगा, बस बने रहिए वीडियो पे। तो गाइज अभी देख सकते हो यहाँ पे अभी चलने वाली है आखिरी फाइट, जिसमें कि गाइज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, हर गेम में आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको कभी भी मतलब रश नहीं करना है, बस आपको स्ट्रगल करना है, मतलब हार्डवर्क करना है, मतलब सर्वाइव करना है, वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रैंक मैच में, खासकर जब आप रैंक पुश कर रहे हो। ठीक है, आपको चारों तरफ ध्यान रखना है, कोई भी आपको ना मार पाए, इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बना के खेलना होता है। तो अभी देख सकते हो मैं इस घर में चला जाता हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ और मेडिकिट्स मिल चुकी हैं, एंड मेरे पास 12 इनहीलर हो चुके हैं, एंड उसी के साथ मेडिकिट की हम बात करें 10 मेरे पास मेडिकिट्स है, जो कि मेरे लिए बहुत है भाई, इतना तो अभी बंदे भी नहीं बचे कि मुझे इतना डैमेज दे पाएंगे। तो गाइज अभी देख सकते हो मैं टॉप 5 में आ चुका हूँ, तो अभी मैं भाई रश कर सकता हूँ, अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइज मेरे अभी बढ़िया मतलब मैं बहुत अच्छा से यहाँ पे पहुँच पाया हूँ एंड मैंने यहाँ पे बढ़िया सर्वाइव भी कर लिया है। तो गाइज ये देख सकते हो आगे से एक बंदा आया एंड इसको हेड भी पड़ा 94 का, बट गाइज यहाँ पे उसको ऊपर से किसी एक और बंदे ने मार दिया उससे M82B से, और ये यहाँ पे गाइज मारा गया। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवर में आ जाता हूँ एंड अभी भी गाइज यहाँ पे 4 बंदे अलाइव है, जो कि गाइज अभी मेरे को यहाँ पे एक बंदा ऊपर दिख चुका है, तो इसको गाइज मैं मारने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। स्कोप मैंने खोला थोड़ा सा एंड ये गाइज पेड़ का कवर ले लिया, बट इसने मुझे सस्पेक्ट अभी तक किया नहीं है, तो यहाँ पे गाइज मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ शायद इसका। एंड गाइज मैं इसको मार दिया और ये हेड देने की ट्राई की, बट बॉडी शॉट से ये मर गया यहाँ पे। तो अभी गाइज मेरे पास ग्लू वॉल एक ही थी और वो बंदा भी वहाँ पे मारा जा चुका था, तो गाइज अभी मैं चल पड़ा हूँ उसकी लूट करने एंड मुझे लगता है भाई ग्लू वॉल मिल जाए, बाकी मिले ना मिले बस ग्लू वॉल मिल जाए, क्योंकि मेरे पास एक ही ग्लू वॉल है। और गाइज यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्लू वॉल्स मिल चुकी है, 8 ग्लू वॉल मेरे पास हो चुकी है, और अभी गाइज यहाँ पे 3 और है, तो 8 और 3 11 ग्लू वॉल यहाँ पे मेरे पास टोटल हो जाएगी। तो गाइज अभी ग्लू वॉल भी मेरे पास काफ़ी हो चुकी है एंड मेरे पास मतलब अभी गोलियाँ वगैरह एमओ वगैरह काफ़ी है, जितने लाइक बंदे हैं 2 बंदे बचे हैं और एमओज मेरे पास बहुत है उनके लिए। देखते हैं गाइज क्या इस गेम में होगा, क्या हम हीरोइक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलता ही रहेगा। एंड उसी के साथ गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है शेयर ज़रूर करना, क्योंकि गाइज अगर आप जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे गाइज ठीक है उतना ज़्यादा ही आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। एंड उसी के साथ गाइज अगर आप इस वीडियो में करते हो 100 लाइक, तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को और भी अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा। एंड अभी जैसे कि पता ही अगर मैं हीरोइक अभी पहुँच जाता हूँ, वैसे शायद मैं पहुँच ही जाऊँगा क्योंकि मैं अभी टॉप 3 में आ चुका हूं। तो गाइज अगर आपको हीरोइक के अंदर मतलब जब आप हीरोइक पहुंच जाते हो तो आपको कैसे सर्वाइव करना है ग्रैंड मास्टर के लिए, या फिर आपको हीरोइक में और आगे जाने के लिए आपको किस तरह से सर्वाइव करना है, अगर आपको उस पर भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि गाइज फिर क्या है कि और भी ज़्यादा फाइट हो जाती है ठीक है, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए गाइज तो इस वीडियो को गाइज पूरा देखते चलो ठीक है। एंड उसी के साथ 100 लाइक कर लेना, उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हो हर वीडियो में रिडीम कोड भी आपको मिले, तो गाइज उसके लिए भी आपको इसको शेयर करना पड़ेगा वीडियो को, तो इसलिए गाइज शेयर ज़रूर करना एंड 100 लाइक इसमें ज़रूर करना। तो सेकंड वीडियो जो है बहुत ही जल्द आएगी, और गाइज ये वाला बंदा यहाँ पे आगे की तरफ आ चुका है भाई, और अभी गाइज मैं यहाँ पे ग्लू वॉल लगाता जा रहा हूँ इसकी तरफ, बट गाइज यहाँ पे मेरे पास है MP40 एंड उसके पास भी है MP40, तो MP40 वर्सेस MP40 में मेरी MP40 ने धोखा दे दिया भाई मेरे को, और पूरा यहाँ पे गाइज देखा आपने रिकॉयल हो गया भाई, पूरे का पूरा रिकॉयल हो गया, और यहाँ पे इस बंदे ने बुया ले लिया है, वो भी 8 किल के साथ एंड ये Diamond 1 में है, तो मतलब कि सीधी सी बात है रश ही कर रहा होगा। तो यहाँ पे गाइज मैं था Diamond 4 पे एंड यहाँ पे गाइज मेरे को लग चुका है 21 का प्लस, मतलब कि गाइज 18 से ज़्यादा, एंड यहाँ पे गाइज मेरा 3203 पॉइंट हो चुके हैं और मैं पहुँच चुका हूँ हीरोइक, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं पहले बैक कर लेता हूँ एंड आपको अभी प्रोफाइल अपनी दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइज यहाँ से बैक कर लेते हैं, 2 किल के साथ यहाँ पे बुइया किया है, 21 का हमें प्लस लगा है, तो आप देख ही सकते हो
मतलब एक हिसाब से आप मान लो कि मैंने बुईया ही किया है, बुईया पे भी आपको 21 का ही प्लस लगना था, और अगर आप 10 किल के साथ भी बुईया करोगे तो भी आपको 21 22 का ही प्लस लगेगा, तो इससे ऊपर आपको प्लस हीरोइक में नहीं लगता है। और अगर आप टॉप 5 से नीचे आ जाते हो तो भाई आपको 4 और 6 का प्लस लगेगा, टॉप 10 में आते हो भाई तो आपको माइनस भी लगेगा, ठीक है। तो गाइज इसलिए सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो मैं अभी अपने क्लैश स्क्वाड में भी हीरोइक में हूँ एंड अपने रैंक मैच में भी हीरोइक में हूँ, मतलब दोनों जगह पे हीरोइक पहुँच चुका हूँ। बाकी गाइज ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको और अच्छे से चाहिए, कैसी कैसी टिप्स चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो उसी टाइप की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देता रहूँगा। उसी के साथ रिडीम कोर्स भी मैं आपको देता रहूँगा अगर आपको चाहिए गाइज। तो इस वीडियो में 100 लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।